ईवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करता है। लास्ट वीक उतना कुछ खास रहा नहीं क्योंकि सारी इंडस्ट्री अपने प्राइस बढ़ाने में लगे हुए और जितने कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे थे अब उनके बजट से बाहर हो रही है गाड़ियां। ऐसे में ना ईवी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। चलो ये तो बात हो गई जो लास्ट वीक चल रहा था, अब न्यूज क्या क्या है एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आती है सिंपल वन की तरफ से। सिंपल वन की इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनली लॉन्च हो चुकी है, डिलीवरी वो स्टार्ट कर रहे हैं 6 जून से। पहले वो बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ भी इश्यूज होता है तो एटलीस्ट वो वही के वही फिक्स कर सकते हैं जिससे वो अपनी आने वाली गाड़ियों में वो सारी चीजों को रेक्टिफाई कर सके। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने लॉन्च किए वो प्राइस है 1.45 लाख रुपीस एंड 1.5 लाख रुपीस, जो 5,000 रुपए महंगा है। उसका वेरियंट में सिर्फ उस वेरियंट में सिर्फ और सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है, बाकी सारी गाड़ी की वैसी है। तो 5,000 ज्यादा दे के कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इंडियंस है, 2-2 रुपए भी बचाते तो ये 5,000 डाल के कोई फायदा नहीं क्योंकि गाड़ी वही है। लेकिन यहाँ पे कैची पार्ट ये है कि 13,000 रुपए का जो चार्जर है 750 वाट का, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है थोड़ी हायर साइड है। और ऐसे में जितने मेरे सब्सक्राइबर से मेरी बात होती है जो बेसिकली सिंपल वन गाड़ी को बुक करके रखे, वो लोग ही बोल रहे हैं कि यार हमको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस लग रहा है क्योंकि हमने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमको लगा था कि चलो 30-35 तक भी जाएगा तो भी चलेगा, बट ये प्राइस थोड़ा हायर साइड ही लॉन्च हुई है तो उनके बजट से बाहर हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया। बट आपके पास पैसा है तो मैं बोलूंगा प्लीज चले जाना इस गाड़ी की तरफ। अभी ये गाड़ी थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल है लेकिन कुछ समय बाद ये पूरी की पूरी गाड़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी, देन सबके सब इस गाड़ी की तरफ भागना चालू कर देंगे। जैसे इनिशियल में ओला से दूर भाग रहे थे बट अभी के टाइम में ओला गाड़ी बहुत ज्यादा बिक रही है, तो सेम विद सिंपल वन, एक समय के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। बट बहुत सारी चीजें मीडिया रिव्यू में देखा है उसमें कुछ कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है, यानी कुछ कुछ अनफिनिश चीजें देखने को मिली है, बट वो भी फिक्स हो जाएंगे बिफोर डिलीवरी। तो ये एक अच्छी बात है, ये सुनने को मिला है हमको। सो गाइस सेकंड न्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे ओला S1 एयर के ऊपर फाइनली अपडेट आ चुका है। भावेश अग्रवाल जी ने ओला S1 एयर के साथ पिक्चर शेयर की है ट्विटर हैंडल पे, और इसका मतलब है कि वो डिलीवरी स्टार्ट कंफर्म कर रहे हैं जुलाई से, क्योंकि उन्होंने वो चीज भी मेंशन की है। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एक परफेक्ट गाड़ी है अगर आप लेने का सोच रहे हो। इसका जो मिड वेरिएंट है जिसमें 3 kWh की बैटरी पैक है वो जरूर लेना अगर आपका इस गाड़ी की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव है तो, क्योंकि यहाँ पे BLDC मोटर है, फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलता है, अच्छा खासा ग्रैब रेल मिलता है, ठीक ठाक बूट स्पेस मिलता है यानी 34 लीटर का, वैसे भी S1 में आपको 36 लीटर का मिलता है। बट अगेन ये गाड़ी एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको डिस्क ब्रेक की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एक परफेक्ट सुटेबल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपका बजट 1 लाख के बहुत ही कट टू कट है तो दिस इज गोना बी द गुड ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं। एंड ये जो पिक्चर इन्होंने शेयर किया इससे कंफर्म हो चुका है कि गाड़ी आ रही है और ये आके रहेगी। हालांकि इसकी जो प्राइसिंग है बढ़ने वाली है, बट कितनी बढ़ने वाली है अभी तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं। हालांकि S1 एंड S1 Pro की तो प्राइस बढ़ चुकी है, 15,000-15,000 रुपए बढ़ चुकी है, अगर आपको लेना है तो वो भी ले सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी की भी प्राइस लगभग 10,000 रुपए बढ़ने वाली है, लगभग बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। अगली न्यूज की बात करते हैं, होंडा की तरफ से आ रही है। होंडा ने रिसेंटली 2 IC इंजन वाले व्हीकल्स को पैटेंट कराया, साथ में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इंडिया में पैटेंट कराया, नामों को पैटेंट कराया। हालांकि गाड़ी कब तक आएगी नॉट कंफर्म, बट वो जो 2 नाम उन्होंने पैटेंट कराया उसका नाम है डैक्स ई और जूमर ई। ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकती है बट ये जस्ट पैटर्न हो रहे हैं, इंडिया में कब तक आएगी कंफर्म नहीं है। लेकिन ऐसा होंडा बहुत बार कर चुकी है, पैटेंट तो कराती है बट वो गाड़ी इंडिया में आती ही नहीं है। सो देखते हैं कब तक आती है, अगर आती भी तो अच्छी बात है क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है। लेकिन अगेन जो सब्सिडी वाला पार्ट है ना वो घटने के कारण से है ना, इस मंथ यानी अभी तो ये अच्छा खासा सेल होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मई के महीने का, बट जून के महीने का जो ईवी सेल्स रिपोर्ट होगा ना वो बहुत ही गंदा आने वाला है, मतलब इतना कम आने वाला है कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत कम लोग ही ईवी व्हीकल लेंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं एथर के बारे में। एथर ग्रिड अगर आपने यूज किया है तो उसमें देखना 2 चीज है, या तो एक गन है जिसके थ्रू डायरेक्ट एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होती है, उसमें एक और पोर्ट दिया होता है 3 वॉल जैसा, वो होता है ना चार्जर लगाने का, वो रहता है जिससे कि दूसरी गाड़ियां भी चार्ज हो सकती है। एथर तो चार्ज हो ही सकती है, उसके अलावा दूसरी गाड़ियां भी उस ग्रिड से चार्ज हो सकती है। अब एथर कंपनी ने बोल दिया है कि अब वो फैसिलिटी टोटली खत्म कर रहे हैं, वो अब काम नहीं करेगा, अब वो जो एथर ग्रिड है वो सिर्फ एथर गाड़ियों के लिए ही रहेगा, कोई दूसरी गाड़ियां वापस चार्ज नहीं होगी। थोड़ा सा बोल सकते हैं बैटर साइड, बिकॉज लोगों को थोड़ा ट्रस्ट था एथर ग्रिड के ऊपर, बट कंपनी उसको बंद कर रही तो कंपनी कॉल, हमारा कोई कॉल ही नहीं उसमें। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं महिंद्रा कंपनी की। महिंद्रा के XUV 400, इसका जो वेटिंग पीरियड है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, पहले थोड़ा कम वेटिंग था बट अब वो 6 मंथ तक हो चुका है, बट इससे भी ज्यादा जा सकता है। मैं पहले बता दूं इनके जो IC और डीजल ओरिएंटेड जो व्हीकल्स है महिंद्रा की XUV 700, XUV 300, इनकी वेटिंग इतनी ज्यादा है, इवन थार वार कितनी ज्यादा वेटिंग है, उसके बावजूद
बावजूद भी इस गाड़ी की वेटिंग काफी कम है। दूसरी जो इनकी गाड़ी है उनके तो 1 साल 6 महीने 8 महीने 2 साल ऐसी वेटिंग है, तो भी इसकी वेटिंग कम है। अगर आप ले रहे हो तो आपको अच्छा खासा वेटिंग देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं MG ZS EV के बारे में। वैसे तो आप लोग जानते होंगे इस गाड़ी के बारे में काफी समय पहले लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में। फाइनली 10,000 गाड़ियां वो इंडिया में सेल कर चुके हैं। यस, 10,000 गाड़ियां सेल कर चुके हैं, विच इज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग। हालांकि ये जो गाड़ी है इसकी प्राइसिंग आती है लगभग 23.38 लाख रुपीज, 10.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई। अच्छा खासा रेंज मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है, बट लोगों को पहले से पसंद आई गाड़ी है। बट प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जहां पे गाड़ी से हल्की सी मात खा जाती है और वहां पे टाटा की नेक्सोन ईवी आगे आ जाती है और लोग ज्यादा उसको परचेस करते हैं। आपका क्या कहना है प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट न्यूज की और ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हम बात कर रहे हैं कंपनी की जिसका नाम है ओजोटेक और इनकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है भीम। दिखने में एकदम ही रेट्रो टाइप की लगती है बट लॉन्चिंग के समय इन्होंने बोला है कि इसका जो रेंज है 500+ किलोमीटर का है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो है 10 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी। हालांकि जो 10 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी है उसका जो प्राइस है, उस वेरिएंट का जो प्राइस है काफी हाई रहेगा। हालांकि कंपनी ने दूसरे ऑप्शंस भी दिए लाइक 1.7 2.4 ऐसे से कुछ बैटरी ऑप्शंस और भी है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट जो हायर है उसमें आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है। मिड ड्राइव मोटर है, चेन ड्राइव दिया गया एंड मिड ड्राइव मोटर 3 किलोवाट आवर की है। सो गाइस आज के ईवी न्यूज में इतना ही था। ईवी संडे न्यूज अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को चेकआउट करिए क्योंकि डेली अपडेट्स तो आपको हर दिन मिलते ही है। ईवी संडे शो में आपको एक्स्ट्रा चीजें और देखने को मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।